ध्यान दीजिए, बता रहे हैं स्मॉल बोर्ड के कनेक्शन के बारे में, किस तरह से कनेक्शन करेंगे, क्या क्या चीजें यहाँ पे लगी है। ये उस तरीके का बोर्ड है जो बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक ना, जो एकदम पैक होता है, जिसको आप कहीं भी ठोक सकते हैं या तो बिना ठोक के भी लगा सकते हैं। गांव में अक्सर इस तरीके के बोर्ड का यूज किया जाता है। तो कनेक्शन कैसे करेंगे इस बात को देखिए ध्यान से। बाकी वायरिंग सारी की सारी आपकी बताएंगे और बता भी रखे, ऑलरेडी वायरिंग का प्लेलिस्ट आप जाकर के देखिए, सारी वायरिंग मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है, स्विच है, बल्ब होल्डर है और ये इंडिकेटर लाइट है। इधर भी हमारा एक टू पिन सॉकेट है, ये स्विच है, ये भी स्विच है और ये फैन का रेगुलेटर, जिससे आप स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये थ्री पिन सॉकेट है, ये दोनों स्विच है और फिर से एक थ्री पिन सॉकेट है। कनेक्शन करने की बात करें तो हम चलिए कनेक्शन करते हैं फटाफट से। सबसे पहले फेस के वायर को उठाएंगे, मैं वायरिंग बारे बताता हूँ, पहले फेस से कनेक्शन करते हैं। तो फेस के वायर को उठाएंगे और फ्यूज के ऊपरी सिरे में देंगे, ठीक ना, और यहीं से फेस निकाल लेंगे और दे देंगे इंडिकेटर लाइट को डायरेक्ट ही, बिल्कुल जिसमें यहाँ फेस है वैसे ही डायरेक्टली इंडिकेटर लाइट को। नीचे वाले से फेस को निकाल लेंगे और निकालने के बाद जहां जहां भी स्विच है सबके निचले सिरे में फेस ले जा करके लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा स्विच था, हमने यहाँ लगा दिया। इसके बाद से क्या करेंगे, इसको उठा लाएंगे इस साइड पे और यहीं से क्या देखिए, इधर भी हमारा एक स्विच है, इधर भी स्विच है, तो दोनों पास क्या कर देंगे, यहीं से हम इसको पहुंचा देंगे, ठीक। यहाँ से फिर हम वायर निकाल लेंगे, मतलब फेस आ रहा है, ये सब जगह फेस ही जा रहा है और यहीं से क्या करेंगे, इन दोनों को भी देना है ना, तो इन दोनों के पास भी क्या कर देंगे, फेस का वायरिंग हम जो है वो पहुंचा देंगे। तो कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया पूरा, सभी चीजों में फेस जहाँ जहाँ हमको देना चाहिए था। तो अभी टू पिन में बाकी कुछ भी नहीं, अब क्या करेंगे, अब स्विच से कनेक्शन करना है ना। तो देखिए इस स्विच से हम इसको ऑपरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दे दिए फेस। इस स्विच से इसको ऑपरेट करना है, इसको यहाँ से दे दिए। ये वाला हमारा फेस होता है, तो इसमें हमें फेस दे दिए। इसको ऑन करते इसको फेस मिलेगा, इसको ऑन करते इसको फेस मिलेगा, ठीक। अब अगली बारी आती है इसका कनेक्शन, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से हमने इसको दे दिया, इसको ऑन करते इसको फेस मिलेगा। न्यूट्रल कनेक्शन अभी हुआ नहीं है, आगे चलते हैं रेगुलेटर में। रेगुलेटर में दो वायर निकलते हैं, ये पहले से ही निकले होते हैं ना, जब भी आप फैन रेगुलेटर लेंगे उसमें से दो वायर निकले होंगे। एक वायर को आपको, इसमें एक रेड होता है एक व्हाइट होता है, तो रेड वाले को क्या कर देना है, फेस दे देना है, ठीक ना, यानी कि स्विच में देना है। जैसे स्विच ऑन करेंगे इसको सप्लाई फेस की मिलेगी और ये डायरेक्टली निकलेगा और कहां चला जाएगा, फैन के पास। तो जो बोर्ड मिलेगा उसमें थोड़ा पंखा लगेगा, एक हाथ पे आपको लगाना पड़ता है, ये वाला कनेक्शन लगा इसमें जोड़ना होता है और एक न्यूट्रल जाकर जोड़ना होता है। तो हम कर देते हैं, ये मान लो घर पे ही लगा दिया गया, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आपका डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, फैन में, ठीक। इसके बाद से अब बारी आती है न्यूट्रल की। तो सारा हो गया, एक बल्ब होल्डर बच रहा है ना, देखिए यहाँ बल्ब होल्डर बच रहा है, यहाँ का स्विच खाली है ना, तो बल्ब होल्डर के एक से इसको हम दे दें कनेक्शन, ठीक ना, यही पे जस्ट है इसका, अब कुछ नहीं बस न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कनेक्शन करते हैं, देखिए न्यूट्रल जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ न्यूट्रल लेकर लेकर जाएंगे। बैटरी न्यूट्रल पहले लेकर के आ रहे हैं सॉकेट के पास, थ्री पिन सॉकेट, थ्री पिन सॉकेट से निकाल दिए, दूसरे थ्री पिन सॉकेट को दे दिए, ठीक ना। यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पर देंगे, यहाँ पर देंगे और यहाँ पर, तीन जगह न्यूट्रल अभी भी चाहिए। तो देखिए ये ऑलरेडी न्यूट्रल निकाले हम यहाँ से, ये सारा लिखा हुआ याद रखिएगा, ये वायर यहाँ से जा रहा है आपका। तो ये चीज यहाँ से आपका हो गया, इसको भी न्यूट्रल, इंडिकेटर लाइट आपका ग्लो करेगा जैसे ही लाइट आएगी। इसको भी हमने न्यूट्रल यहाँ से दे दिया, ये भी आपका वर्क करेगा जैसे इसको न्यूट्रल मिलेगा। और एक न्यूट्रल क्या करेंगे, फैन के पास भी चाहिए, तो न्यूट्रल इसी में से दे सकते हैं, बढ़िया से यहाँ से वायर कस लेंगे अच्छे से, चाहे हमको नहीं दिक्कत ज्यादा हो तो लूप कर लेंगे वायर को, यानी कि यहीं से ब्रेक करके वायर जोड़ सकते हैं। तो ये आपको कनेक्शन करना है न्यूट्रल वाला, तो न्यूट्रल आपको इसमें से दे देना है, यानी कि इसको फेस मिल गया, जैसे ये ऑन होगा इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगी, इसकी कंट्रोल होगी और यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल गया, ये आपका चलना चालू हो जाएगा। अब बचा इसके पास न्यूट्रल, न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल कहाँ से आया, यहाँ से न्यूट्रल ले लीजिए या तो इसमें से, ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा, इसके यहाँ से नहीं लेंगे, यही सब न्यूट्रल आराम से निकाल लेंगे और निकाल करके यहाँ पर न्यूट्रल दे देंगे। तो ये पूरा कम्प्लीटली वायरिंग इसकी हो गई, बॉडी अब बचता है, तो बॉडी अब यहाँ पर और यहाँ पर आपको लगाना होगा, यदि गाँव में बॉडी अब मिलता है तो गांव में बॉडी अर्थ मिलता नहीं, इसलिए हमें बॉडी अर्थ कनेक्शन इस वाले बोर्ड पे कर नहीं रहे, करना होगा
तो आप कर सकते हैं ये बॉडी और कवर ला करके इसमें और इसमें लगाना होता है। ठीक ना, ये वर्क कब करता है, जब कभी ऐसा आप अप्लायंस यूज कर रहे हैं जिनके अंदर थ्री कोर का सिस्टम है ना, फेस न्यूट्रल और बॉडी का सिस्टम है, और बाई चांस फेस लिख करके बॉडी पे चिपका हुआ है, और जैसे ही आप क्या करेंगे उसको छूने जाएंगे तो बॉडी सक्रिय हो जाएगा, आपको लाइट मारने से बचाता है। ये सेफ्टी के लिए बॉडी अर्थ लगाया जाता है। तो बॉडी अर्थ के बारे में है गांव में तो आप यूज कर सकते हैं। कैसे बनाते हैं ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो उस चीज से आप बना लेंगे। बस इतना सा इसका कनेक्शन था। ओके।